देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने 27 अगस्त को दिल्ली में कहा कि डर्टी पॉलिटिक्स से राज्य का विकास नहीं हो पाया। अगर पार्टी किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भविष्य में वहां चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ये आपकी मनमर्जी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा से निपटने के लिए विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया बनाया है, इसमें आरजेडी और आप भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने दिल्ली स्थित पार्टी ऑफिस में बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें बिहार में पार्टी के संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली से आपके विधायक और बिहार चुनाव प्रभारी अजेश यादव भी मौजूद रहे। पाठक ने यह भी कहा कि पार्टी को चुनाव लड़ना है या नहीं, ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी को जिस राज्य में चुनाव लड़ना होता है वहाँ फोकस होना बहुत जरूरी है। हम गुजरात में पूरे फोकस के साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे, वहाँ से हमने पूरे देश को संदेश दिया कि हम लड़ सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर संदीप पाठक ने कहा, हो सकता है कि हमारी राय अलग हो, लेकिन हम सभी का मानना है कि देश सबसे पहले है और देश को बचाना है। भाजपा के इन दो भाई साहब यानी मोदी और शाह को घर बैठना पड़ेगा। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लोकसभा का चुनाव तो लड़ेंगे ही, कैसे लड़ेंगे ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कब लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी करेगी। संदीप पाठक ने यह भी कहा कि बिहार के लोग दिल्ली आकर पूछते थे कि आप बिहार में चुनाव कब लड़ेंगे। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि बिहार पूरे देश को राजनीति सिखाता है। यहां 10 साल के बच्चे को भी पता है कि राजनीति क्या होती है। बिहार में भले हमारे संगठन का स्ट्रक्चर ना हो, लेकिन संगठन के पास वहां काम करने वाले लोगों की काफी संख्या है। पाठक ने कहा कि डर्टी पॉलिटिक्स के कारण बिहार का उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आप पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इसके लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ चुनाव लड़कर हार जाने का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी के साथ बिहार के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संदीप पाठक जी ने स्पष्ट किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और जो मुंबई में आगे बैठक होने वाली है उस बैठक के बाद हम यह कहने की स्थिति में होंगे कि बिहार में लोकसभा चुनाव हम किस रूप में लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन कल उन्होंने श्री संदीप पाठक जी ने स्पष्ट किया कि बिहार में जो आगामी विधानसभा है 2025 विधानसभा का जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी उसके लिए स्वतंत्र है। विधानसभा चुनाव के लिए हमारा किसी पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। हम 2025 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं और इसके बाबत बिहार प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धन्यवाद। मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष निवर्तमान आम आदमी पार्टी बिहार। आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ेगी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। आपकी तरफ से आए बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बना था तब कुछ सिद्धांत बनाए गए थे। गठबंधन में तय हुआ था कि जिस पार्टी का जिस राज्य में वर्चस्व रहेगा वो वही चुनाव लड़ेगी। अब आम आदमी पार्टी इन सिद्धांतों को दरकिनार कर मनमर्जी करने पर उतर आई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।